नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि योनो एसबीआई का प्रोफाइल पासवर्ड कैसे पता करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, योनो एसबीआई का यूजर नेम और पासवर्ड अलग होता है, एक एम पिन होता है और एक प्रोफाइल पासवर्ड होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल पासवर्ड कैसे पता करेंगे, तो किस तरीके से प्रोफाइल पासवर्ड पता किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, वही सारा का सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो योनो एसबीआई का प्रोफाइल पासवर्ड पता करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लिया है। दोस्तों अभी तक आपने योनो एसबीआई पर अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से योनो एसबीआई पर अपना अकाउंट बना लेंगे। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको ऊपर की साइड में 3 लाइन दिखाई देंगी, आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जिसमें आपको सेकंड लास्ट पर दिखाई देगा सर्विस रिक्वेस्ट, आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेटिंग, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, आपको फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा है एटीएम नंबर और नीचे दिखाई दे रहा है एटीएम पिन, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका एटीएम नंबर है वो एटीएम नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो 16 अंकों का होता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है एटीएम पिन, जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं जो पिन हम वहाँ पर डालते हैं वही पिन आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं अपना एटीएम नंबर और एटीएम पिन दोनों डाल देता हूँ, आपको भी अपना एटीएम पिन और एटीएम नंबर यहाँ पर डालना है। मैंने यहाँ पर अपना एटीएम नंबर डाल दिया है और मैंने यहाँ पर अपना एटीएम पिन डाल दिया है। इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है सबमिट, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड, और दोबारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है री इंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड। दोस्तों जो आप प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे उसी प्रोफाइल पासवर्ड को दोबारा आप यहाँ पर डालेंगे, और आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना लिया है, वही पासवर्ड मैंने री इंटर पासवर्ड में डाला है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा है कन्फर्म, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है, मैं इस OTP को यहाँ पर डालता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा है सबमिट, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोफाइल पासवर्ड चेंज। दोस्तों मेरे पास बैंक की तरफ से भी एक मैसेज आ गया है। अब दोस्तों जो हमारा प्रोफाइल पासवर्ड है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से मात्र 2 मिनट के अंदर अपने प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर